सो भाई वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, अच्छा नेक्स्ट वाला आज आपके लिए एक और वीडियो लाया। और भाई आज अपने पास आ रखी है टोयोटा हाई राइडर, टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे है। इसमें फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं मिलती, उसी के साथ साथ अपने पास आ रखी है ग्रैंड विटारा। तो दोनों में ही इसमें अभी काम स्टार्ट होगा, उसमें काम स्टार्ट है। बाकी भाई या एक बार मैं आपको इसकी वॉक अराउंड करा देता हूँ। ये आप देखो, ये इसकी फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक बहुत ही अच्छी है। ये इसके DRLs है, DRLs में अगर बताऊँ तो ये यहाँ पे लाइक ऊपर और नीचे दोनों पे ही जलते हैं, और बीच में इसमें क्रोम है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर मिल जाएगा। ये इसके हेडलैम्प्स है, हेडलैम्प्स मेरे को इसके ज़्यादा अच्छे लगे कंपेरिजन टू ग्रैंड विटारा, और लुक भी मेरे को इसी की ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसकी जो फ्रंट लुक है बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जो इसकी ग्रिल है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है कंपेरिजन टू ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा की थोड़ी सिंपल लुक दी गई है, अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी नहीं है, बट थोड़ी बहुत सिंपल है। ये थोड़ा एक लगता है कि न्यू जनरेशन की, आज की जनरेशन की कार है। बाकी जो इसकी ग्रिल है वो बिल्कुल ग्लॉस ब्लैक है, अगर आप देखोगे तो प्योर ग्लॉस ब्लैक है, और क्रोम का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्रोम है, क्रोम के साथ ही ग्लॉस ब्लैक है, क्रोम का उसमें भी है। बाकी उसी के साथ साथ एक बार आप इसकी फ्रंट लुक चेकआउट कर लो। रूफ इसमें डुअल टोन में है, ये वाली रूफ ब्लैक मिलेगी, पिलर्स भी ब्लैक मिलेंगे, ORVMs भी ब्लैक मिलेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी, और अलॉय व्हील्स इसमें आपको 17 इंचेस के मिलेंगे। टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ कहीं ना कहीं रहेगी 215/16 R17। मेरे हिसाब से 17 इंचेस तो ठीक है, बट थोड़ी विथ होती 235 तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि जिस हिसाब से कार है उस हिसाब से 215 काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो 235 होती तो और भी अच्छा होता। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, और क्रोम हैंडल्स नहीं मिलेंगे इसमें। आई थिंक जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट होगा उसमें क्रोम हैंडल मिलेंगे। यहाँ पे क्रोम गार्निश मिलेगी, ऊपर सनरूफ मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, पूरी रूफ ब्लैक मिलेगी यहाँ तक। और उसी के साथ साथ ये इसकी बैक लुक है, बैक लुक मेरे को इसकी भी काफ़ी अच्छी लगी है, बट इससे अच्छी नहीं लगी, ये मेरे को कुछ अलग ही लगती है। जैसे कि एक बार पार्किंग लाइट ऑन करवाना, ये देखो, अगर पार्किंग लाइट ऑन, ये देखो भाई इसकी जो लाइट्स है ना वो कहीं ना कहीं Porsche रिलेट करती है, Porsche की एनी से। तो मेरे को इसकी लाइट्स के उसमें मेरे को इसकी लुक ज़्यादा अच्छी है कंपेरिजन टू उससे। बाकी यार अच्छी इसकी भी है, नो डाउट। बाकी ये काफ़ी सही लगा है मेरे को कि इसमें सिर्फ ब्रेक लाइट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स की मिलेगा, ये पोर्शन रिफ्लेक्टर है, और उसी के साथ साथ अर्बन क्रूजन हाई राइडर की यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और क्रोम पूरी फिनिश मिलेगी, हाइब्रिड जी की बैजिंग मिलेगी, रिवर पीछे भी आपको डिफॉगर्स और वाइपर मिलेगा। बाकी भाई गाड़ी बहुत ही अच्छी है। इसी के साथ साथ बात करें तो ये हाई राइडर की इंटीरियर है, यहाँ पे 11 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ और XYZ, ईच एंड एवरीथिंग, इवन दो कार की डिटेल्स भी मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, और यहाँ पे USB चार्जिंग मिलेगी, और USB का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे 12V का सॉकेट है, EV मोड है, यहाँ पे HUD डिस्प्ले है, ये देखो यहाँ पे HUD डिस्प्ले की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलेगा पूरा आपको, जैसे कि अगर आप देख पाओगे तो 14.7 KMPL की माइलेज दे रही है। और यहाँ पे इसका सनरूफ है, सनरूफ आप एक बार चेकआउट करो, पूरा का पूरा ओपन हुआ है, लाइक जो पीछे वाला मिरर है ये भी पीछे गया है और ये वाला भी पीछे गया है, तो पूरा लाइक इतना ओपन हुआ है, इतने में से इतना ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड आपका 60-70% जो सनरूफ है वो ओपन होता है। बाकी अभी मैं एक बार बंद करता हूँ तो देखो ये वाला मिरर भी आगे आ रहा है, अभी ये लग गया है, अब ये लगेगा, तो ये लग चुका है, और अभी दोबारा से मैं करूँगा तो सन ब्लाइंड भी लग जाएगी, बाहर अभी इसमें डोर वाइजर्स लग रही है। और उसी के साथ साथ अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी ये इलेक्ट्रिक पे आ चुकी है, कार ऑन है बिल्कुल, ये देखो जैसे कि स्टेयरिंग में मोड़ रहा हूँ, और अभी इंजन स्टार्ट नहीं है, अभी गाड़ी EV मोड पे है, जैसे कि हाइब्रिड वर्जन है। यहाँ पे भाई आपको वायरलेस का ऑप्शन मिल जाएगा,
ये इसका ग्लो बॉक्स है और इसमें नीचे आपको लाइट मिलेगी। अगर मैं डोर खोलता हूँ तो ये देखो नीचे यहाँ पे लाइट मिलेगी और शेड मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये वाला शेड मिलेगा ऑरेंज वाला, बहुत ही प्यारा लगता है ये। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट मिलेगी और भाई सेम फिटिंग के साथ हमारे यहाँ पे भी ऐसी फिटिंग के साथ लग जाएगी। अगर आपको देखनी है तो ग्रैंड विटारा में की वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें हमने एम्बियंट लाइटिंग लगाई है, बिल्कुल उसमें भी इसी यही वाली फिटिंग आई है और डोर्स पे भी लगती है उसी में ही। डोर्स में आई थिंक यहाँ पे लगती है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी इसके डोर पैनल्स है, डोर पैनल्स भी आप एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स है, पावर विंडो कंट्रोल्स है, इनर क्रोम इनर हैंडल्स मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी। और उसी के साथ साथ एक बार ये आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का पुश बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और सारे के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। और क्या कहते हैं, एक बार मैं गाड़ी आगे कर देता हूँ। तो ये भाई देखो गाड़ी आगे जा रही है, तो उसमें भी आपकी HUD में भी आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। और ये मैं कार को यहाँ पे ले जाके लगा देता हूँ, अभी लगा लेंगे भाई। ठीक है, आपने कह दी, हम लगा लेंगे। तो मैं गाड़ी को यहाँ पे ले जाके और ये ऐसे रोक देता हूँ। ठीक है भाई, पार्किंग मोड पे कर देते हैं ताकि गाड़ी आगे पीछे ना जाए। इसमें यहाँ पे देखो चार्जिंग मोड है, इको मोड है और फिर पावर मोड है। ये तीन मोड यहाँ पे मिलेंगे। फ्यूल का ऑप्शन है, इंजन टेम्परेचर का ऑप्शन है, यहाँ पे इंस्टेंट माइलेज है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। 14.7 KMPL की माइलेज दे रही है भाई हाइब्रिड वाली, और 547 की रेंज है। 546 की थी, अभी 547 की हो गई। तो ये कुछ सीन्स हैं, यहाँ पे ट्यूटर्स मिल जाएंगे आपको। और आपको इस वाले ये टॉप एंड नहीं है बिल्कुल, तो इसमें आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलेगी। बाकी अगर आपको लेदर अपॉल्स्ट्री लगवानी है तो लेदर अपॉल्स्ट्री पूरी गाड़ी इंटीरियर भी हो जाएगा, लाइक यहाँ पे भी लग जाएगी, डोर पैनल्स पे भी लग जाएगी, स्टेयरिंग भी हो जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगी जैसे ये लगा हुआ है बिल्कुल इसी फिनिश में, और सीट कवर्स भी लग जाएंगे। वीडियो अगर आपको चेकआउट करनी है तो ग्रैंड विटारा की वीडियो मैंने डाली हुई है। बाकी भाई एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे HUD का बटन मिलेगा, अभी HUD ऑटो पे है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल है और उसी के साथ साथ ये इसके डोर पैनल से यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। ये यहाँ पे स्पीकर है, पीछे बात करें तो ये इसका पीछे वाला डोर पैनल है। अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये भाई अपने पास अवेलेबल है जिसमें आपको एक टाइप ए और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, और ये अपने पास अवेलेबल है ओरिजिनल MGP के। और यहाँ पे भाई ये इसका लाइक पीछे एयर वेंट्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा। आर्मरेस्ट भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये भाई आर्मरेस्ट पीछे चिपका हुआ है, तो ये इसका आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट में 2 बोतल होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छी जगह माउंटेड की गई है। रीडिंग लाइट्स दोनों ही तरफ है, रीडिंग लाइट्स, बट इसका जो सन ब्लाइंड है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपको हीट बहुत ज़्यादा आएगी, सनलाइट बहुत ज़्यादा आएगी। उसी के साथ साथ बूट स्पेस है, इसमें थोड़ा कम बूट स्पेस मिलता है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल, और क्योंकि इसमें नीचे बैटरी है तो बैटरी से थोड़ा सा ऊपर उठा के दिया गया है ताकि डायरेक्ट अगर आप कुछ भी सामान रखो तो बैटरी पे लोड ना पड़े। इसका बूट स्पेस है, अपने पास ओरिजिनल पार्सल ट्रे भी है। बाकी भाई एक बार रियर लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी रियर लुक है, इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन है, इसकी भी काफ़ी अच्छी लगती है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया है मेरे को विटारा की पीछे से विटारा काफ़ी अच्छी लगती है और आगे से मेरे को ये काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे डिफॉगर्स मिलेंगे, वाइपर मिलेगा, स्टॉप लाइट मिलेगी, शार्कफिन एंटीना है, पूरी रूफ रैप है पिलर्स के साथ, और आगे भी मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी DRLs है, DRLs मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, क्रोम फिनिश के साथ है, कार्बन फाइबर है, और उसी के साथ साथ ये इसके हेडलैम्प्स है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, काफ़ी अच्छे हैं। ग्लॉस ब्लैक आपको ग्रिल मिलेगी, और जो इसके अलॉय व्हील्स है वो 17 इंचेस है। टायर साइज है, थोड़ी विथ ज़्यादा होती तो काफ़ी बेटर होता। बाकी लुक इसकी भी काफ़ी अच्छी है, बट मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी यहाँ पे भी इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी, ग्लॉस ब्लैक में आपको ORVMs मिलेंगे, रूफ पूरी ब्लैक मिलेगी, सिल्वर में आपको रूफ रेल्स मिलेगी। लुक मेरे को उनकी भी काफ़ी अच्छी लगी,
बट मेरे को इनकी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी, अगर ये क्लीन होते तो उससे ज़्यादा अच्छे लगते। और इसमें भी अगर टायर साइज बात करें तो सेम टायर साइज है 215/16 R17 इंचेस का अलॉय व्हील है, 215 की विथ है, कुछ खास नहीं है। थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं प्रीफर करूँगा या फिर आप आफ्टर मार्केट जाके स्विच कर सकते हैं। बाकी यार मेरे को इस वाली की लुक इतनी खास नहीं लगी, थोड़ी सी मेरे को कहीं ना कहीं लैग कर रही है कंपैरिजन टू हाई राइडर। बाकी और इम्प्रूव हो सकती है इन अ फेसलिफ्ट मॉडल। बाकी इसकी रियर लुक है, ये अपनी ग्रैंड विटारा और वो है अपनी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये इसकी आप एक बार DRLs वगैरह फ्रंट लुक इसकी आप चेकआउट करो, ये देखो, और साइड प्रोफाइल आप दोनों की चेकआउट कर लो। ये अपनी विटारा की है और वो अपनी हाई राइडर की है, अलॉय व्हील्स और जो भी है पूरे का पूरा, हालांकि काफ़ी हद तक सेम है बट फ्रंट लुक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस इसका फ्रंट लुक में है। जैसे कि ये वाली फ्रंट लुक आप चेकआउट करो और उसकी फ्रंट लुक चेकआउट करो, इसके जो हेडलैम्प है वो थोड़े से बड़े दिए गए हैं, हालांकि प्रोजेक्टर साइज सेम है और उसके थोड़े छोटे किए दिए गए हैं। मेरे को उसकी फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बैक लुक मेरे को इसकी ज़्यादा अच्छी लगी है भाई। उसी के साथ साथ इसमें डोर वाइज़र लग चुकी हैं, डोर वाइज़र चेकआउट करो, क्रोम वाले पूरे स्मोक ब्लैक में, ये आप चेकआउट करो, ये पूरे यहाँ तक आते हैं, कितने प्यारे और ओरिजिनल वाले हैं बिल्कुल। इसकी यूवी टिंटेड विंडोज़ आती हैं और इसमें नॉर्मल है, बेस वेरिएंट है तो इसमें नॉर्मल आती है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप भी ऑब्ज़र्व करना, पहले आप खुद ही ऑब्ज़र्व करो कि कौन सी वाली कार की ज़्यादा लेंथ आपको लग रही है, कौन सी कार की आपको ज़्यादा लेंथ लग रही है। हालांकि है दोनों की सेम ही, 19-20 का अंतर होगा क्योंकि थोड़ी बहुत फ्रंट लुक में चेंजेस किए गए हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली बताना, अगर मैं बताऊं तो मेरे को जो थोड़ी ज़्यादा लेंथ जो ज़्यादा लग रही है वो मेरे को इसकी लगती है देखने में, है हालांकि दोनों की सेम, क्योंकि उसकी थोड़ी इसकी थोड़ी जो लुक है ना वो बोल्ड कर दी गई है, तो ये छोटी छोटी लगती है अकॉर्डिंग लुक के हिसाब से, और इसकी थोड़ी लुक ऐसी है तो ये अकॉर्डिंग टू दी फ्रंट लुक ये थोड़ी लंबी लगती है। बाकी वैसे दोनों सेम ही है, इनर लेंथ वगैरह हर चीज़ से सेम है, टायर साइज़ भी दोनों के सेम है, इवन दो जो इसके स्पेस है व्हील स्पेसेस है वो भी दोनों के सेम है, तो ऑलमोस्ट डिट्टो है। बस ये माइल्ड हाइब्रिड है, ये स्मार्ट हाइब्रिड है और ये प्रॉपर जो हाइब्रिड आती है वो वाली है। बाकी अगर आपको कार पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आई है तो मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कर ले, अचिन रेक्सवाल एंड अचिन रेक्सवाल ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।